What's up guys? I hope you are doing well. I am Veer. Welcome to Study Lover. आज हम यहाँ पर देखने जा रहे हैं National Development Council. देखिए हम लोगों ने देखा था Planning Commission last lecture में. Planning Commission का जो गठन किया गया था वो किया गया था 1950 में. जब Planning Commission 1950 में आ गया तो फिर उसको head करने वाली body 1952 में क्यों आई? दो साल बाद क्यों आई? दो साल बाद इसलिए आई क्योंकि starting में Planning Commission तो ये लोग लेके आ गए. पर लेकिन प्लानिंग कमीशन लाने के बाद में इनको समझ में आया कि यार इसके ऊपर कोई ना कोई तो अथॉरिटी होनी चाहिए, कोई ना कोई तो बॉडी होनी चाहिए जो कि इसको सजेस्ट कर सके, थोड़ा गाइड कर सके, थोड़ा रेक्टिफाई कर सके अगर ये कोई गड़बड़ कर रहा है तो. तो इस तरीके से फिर इन्होंने फोकस किया कि कोई नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल नाम की भी कोई चीज होनी चाहिए. तो देखिये यहाँ पर लिखा भी हुआ है ऑन द रिकमेंडेशन फर्स्ट 5 ईयर प्लान. मतलब जब पहला 5 ईयर प्लान ड्राफ्ट कर रहे थे तभी इनके माइंड में निकल के आई कुछ ऐसी जादुई छड़ी कि इन्होंने बोला कि नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल भी होनी चाहिए. ओके तो जो ये एस्टेब्लिश की गई कब की गई? 1952 में नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल एस्टेब्लिश की गई. और इसके अलावा लाइक प्लानिंग कमीशन ये भी नाइदर कॉन्स्टिट्यूशनल, ना तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है और ना ही स्टैट्यूटरी बॉडी है. कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी कौन सी होती है? जो कि कॉन्स्टिट्यूशन में रखी जाती है, उनको कोई आर्टिकल्स दिया जाता है भले ही वो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के तहत रखी गई हो या फिर जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट किया गया उस टाइम पर रखी गई हो, तो उनको हम बोल देते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी. और स्टैट्यूटरी बॉडी उनको बोलते हैं जो बॉडी पार्लियामेंट के एक्ट के द्वारा बनाई जाती है. ओके पार्लियामेंट में पास करके पहले लोकसभा में लेके आओ, फिर राज्यसभा में लेके आओ, फिर प्रेसिडेंट के सिग्नेचर करवाओ, तब जाके वो स्टैट्यूटरी बॉडी बनती है. तो ना तो प्लानिंग कमीशन और एनडीसी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी थी और ना ही प्लानिंग कमीशन और एनडीसी स्टैट्यूटरी बॉडी है. तो फिर ये है क्या? ये एक एग्जीक्यूटिव बॉडी है और एग्जीक्यूटिव रिजोल्यूशन के द्वारा ही बनाई गई है. देखिए हमारे जो यहाँ पर अगर हम पूरा सिस्टम देखकर चलें, एक तो होता है एग्जीक्यूटिव, एक होता है जुडिशरी, ठीक है ना. एग्जीक्यूटिव होता है, जुडिशरी होता है और एक होता है लेजिस्लेटिव. तो लेजिस्लेटिव होती है लॉ बनाने वाली बॉडी जो कि लॉ बनाती है, ठीक है. एग्जीक्यूटिव होती है जो उसको इंप्लीमेंट करती है और जुडिशरी आप लोग जानती हैं सब. तो इस तरीके से मतलब तीन बॉडी यहां पर काफी इंपॉर्टेंट मानी जाती है ये, और तीनों में एक तरीके से आप लोग देख सकते हैं अपने अपने फंक्शन होते हैं, अपना अपना एरिया होता है. पर लेकिन हमारे यहां पर लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव जो होती है वो थोड़ी थोड़ी सी आप लोगों को मिक्स देखने को मिलती है, ठीक है. तो इसी तरीके से यहां पर अगर कोई फंक्शन होता है वो देखा जाता है कि लेजिस्लेटिव का फंक्शन है, एग्जीक्यूटिव का है, यहां पर हम कंप्लीटली उसको डिफाइन नहीं कर पाते हैं. पर यूएसए में सेपरेशन ऑफ पावर का कॉन्सेप्ट है और वहां पर ये कंप्लीटली डिफाइन किया जाता है. तो यहां पर जो इनको लगता है लेजिस्लेटिव से पास नहीं हो पाएगी कुछ बातें, वो ये एग्जीक्यूटिव से खुद ही पास करा के अपने पास रख लेते हैं उन चीजों को, जिससे कि उसमें ज्यादा मतलब अगर मेजोरिटी नहीं है पार्लियामेंट में तो आराम से काम चलता रहे. और सबसे बड़ी फायदा इनका ये होता है एग्जीक्यूटिव बॉडी का कि ये इनके अंडर में काम करती है और इनको कोई पूछने वाला नहीं होता है कि कौन क्या कर रहा है, ये अपने हिसाब से उसको चलाते रहते हैं. ओके तो इसी तरीके से आप लोग देख सकते हैं आज की डेट का नीति आयोग भी इसी के पैटर्न के ऊपर डिपेंड है. आप लोगों से एक बात और बोलना चाहूंगा. देखिए मैं यहां पर काफी स्टूडेंट्स कह रहे हैं कि मैं कभी कोई सा लेक्चर उठा ले रहा हूं, कभी कोई सा उठा ले रहा हूं, कभी कोई चैप्टर ले रहा हूं, कभी कोई चैप्टर ले रहा हूं. तो देखिए यहां पर आप लोगों को यह बताना चाहूंगा मैं एक इस तरीके की सीरीज से चल रहा हूं ताकि एक चैप्टर से आप लोगों के लिंक कनेक्ट हो सके. एक चैप्टर हुआ फिर आगे ये चल गया, ठीक है. पहले हम लोगों ने क्या पढ़ा था? मैंने आप लोगों को पढ़ाया था फाइनेंस कमीशन. फाइनेंस कमीशन की जो कुछ ड्यूटीज है, जो कुछ फंक्शन है वो प्लानिंग कमीशन के हाथ में आ रहे थे तो फिर प्लानिंग कमीशन करा दिया. इस तरीके से आप लोग कनेक्ट कर पाएंगे, लिंक कर पाएंगे आराम से, ठीक है. पर ये आप लोगों को गारंटी देता हूं इस बात की कोई भी चैप्टर छोड़ूंगा नहीं. ओके अगर आप लोग ढंग से सुनेंगे तो आप लोग पूरी पॉलिटी जो है आप लोगों की काफी आसान लगने लगी आप लोगों को, और जिसे भागते हो आप लोगों को फिर उसको पढ़ने में मजा आने लगेगा, ठीक है. पर लेकिन यही कंडीशन है कि आप लोगों को रिवीजन जरूर करना पड़ेगा, तो रिवीजन करते रहिए जितना हो सके. और इसके अलावा आप लोगों को जैसे मैंने बोला था आने वाले लेक्चर में पीआईबी स्टार्ट करने वाला हूं मैं बहुत जल्दी. जब भी मुझे थोड़ा सा उसका सेटअप करने में मैं थोड़ा टाइम लगा रहा हूं कि मुझे एक्चुअल में पीआईबी के साथ में क्या क्या चीजें वहां पर रखनी चाहिए वो थोड़ा सोच रहा हूं. एक प्रॉपर आप लोगों का लेक्चर आया करेगा इसमें यहां पर बहुत ही अच्छा सा, जिसको आप अच्छे से यूज कर सके और कंप्लीटली ये एग्जाम के ओरिएंटेशन से रहेगा, ठीक है. तो उस तरीके से आप लोगों का ये लेक्चर आएगा और जब कंटिन्यू एक बार कर दूंगा फिर ये बंद होने वाला नहीं है. तो उस तरीके से थोड़ा सा मुझे टाइम लग रहा है, अभी देख रहा हूं मैं सारे कमेंट पढ़ रहा हूं जो भी आप लोगों ने सजेशन दिए हैं, फिर उसको अच्छे से इंप्लीमेंट करके बहुत ही प्यारा सा आप लोगों का एक लेक्चर स्टार्ट होगा डेली. ओके अब थोड़ा कंपोजिशन यहाँ पर देख लेते हैं. और भी कोई सजेशन देना चाहते हो आप लोग सजेशन दे सकते हैं, वो तो ऑलवेज ओपन है. आप लोग जब भी सजेशन देना चाहें वो दे सकते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में. अब यहाँ पर देखिए जो कंपोजिशन की बात की जाती है यहाँ पर, तो सबसे पहले तो होता है प्राइम मिनिस्टर. तो प्राइम मिनिस्टर जो इंडिया प्रधानमंत्री होते हैं वो हेड होते हैं इसके. इसके साथ में जो कैबिनेट मिनिस्ट्री होती है, जो मंत्रालय होते हैं उसके कई सारे मिनिस्टर्स यहाँ पे रहते हैं. इसके अलावा चीफ मिनिस्टर्स रहते हैं यहाँ पर स्टेट के, और यूनियन टेरिटरी के जो चीफ मिनिस्टर हैं, जैसे कौन कौन सी यूनियन टेरिटरी में चीफ मिनिस्टर हैं
अब तो रट गया होगा यार, रिवीजन भी इतनी बार करवा चुका हूँ, कमेंट बॉक्स में बताओ चलो। और क्वेश्चन के आंसर दिया करो यार, इतना मतलब कंजूसी क्यों बरतते हो आंसर देने में, आंसर दिया करो ना क्वेश्चनों के। तो यहाँ पर देखिए, जिस यूनियन टेरिटरी में चीफ मिनिस्टर है वहां पर चीफ मिनिस्टर, जिसमें एडमिनिस्ट्रेटर है वहां पर एडमिनिस्ट्रेटर, यहाँ पर इसमें काउंसिल की कंपोजिशन में रहते हैं। और इसके अलावा प्लानिंग कमीशन के जो मेंबर्स होते हैं वो भी यहाँ पर कंपोजिशन में रहते हैं। अब प्लानिंग कमीशन के क्या होते हैं, मेंबर कौन होते हैं, रिविजन कीजिए मैंने, ठीक है ना, मैंने आप लोगों को बताया था। तो इस तरीके से यहाँ पे पूरा ये फंक्शन रहता है, ओके। और यहाँ पर एक बात और याद रख सकते हैं, जो प्लानिंग कमीशन का जो सेक्रेटरी होता है वही यहाँ पर एनडीसी का भी सेक्रेटरी होता है। मतलब एक तरीके से इस तरीके से इनको इंक्लूड किया गया है कि ज्यादा इनमें सेपरेशन नहीं रखा गया है, एक दूसरे के भाई बहन के तरीके से इन दोनों को रखा गया है, ठीक है। इसी तरीके से जो एनडीसी होती है वो प्रोवाइड करती है एडमिनिस्ट्रेटिव और अदर असिस्टेंट, जिससे कि प्लानिंग कमीशन ढंग से वर्क कर सके। प्लानिंग कमीशन पूरा प्रोग्राम का एक ड्राफ्ट तैयार करके लेके आती है, उसमें क्या प्रॉब्लम है, क्या उसमें होना चाहिए, वो सारी चीजें फिर देखती है एनडीसी। मतलब एनडीसी एक तरीके से आप लोग बोल सकते हैं, जैसे आप लोग एग्जाम लिख देते हैं फिर टीचर के पास में कॉपी जाती है चेक होने के लिए, वही काम यहाँ पर एनडीसी करती है, चेक करती है और फिर सजेशन देती है कि कहाँ कहाँ पे आप में गलतियां हैं, कहाँ कहाँ पे आप लोग इंप्रूव कर सकते हैं, किस रिसोर्स को किस तरीके से यूज कर सकते हैं, वो सारा सजेशन दिया जाता है फिर एनडीसी के द्वारा। अब मेन ऑब्जेक्टिव क्या था वो भी मैं आप लोगों को यहाँ पर बता देता हूँ। सबसे पहला आप लोगों को देखने को मिलेगा, जैसे मैंने प्लान के बारे में बताया, तो ये प्लान किस तरीके से हमको आगे लेके चलना है, तो स्टेट हम लोगों को सपोर्ट कर सके उसमें, तो स्टेट का कोऑपरेशन यहाँ पर चाहिएगा कि हम लोग अपने प्लान जो हमने बनाया है उसको ढंग से उसको एग्जीक्यूट कर सके। तो ये काम करती है एनडीसी, ठीक है। इसके साथ में आप लोग देख सकते हैं ये क्या करती है, एनश्योर द बैलेंस, मतलब एक बैलेंस्ड बनाने का काम करती है, किस तरीके से यहाँ पर रैपिड डेवलपमेंट होना है ऑल द पार्ट ऑफ द कंट्री। ऐसा नहीं है कि मतलब हम लोगों ने नॉर्दर्न स्टेट को ज्यादा डेवलप कर दिया और नॉर्थ ईस्ट स्टेट को छोड़ दिया, या फिर सदर्न स्टेट पे ज्यादा फोकस कर दिया और वेस्टर्न पार्ट को छोड़ दिया। तो पूरा ऑल ओवर इंडिया पर यहाँ पर फोकस देकर चला जाता है कि कंट्री का कोई भी पार्ट न बचे। तो ये काम था डेवलपमेंट काउंसिल का, जिससे कि फोकस देकर चला जाए। ये नहीं है यहाँ पर कभी सोचने लगो बांग्लादेश भी इंक्लूड कर दिया, ठीक है, तो बांग्लादेश नहीं है यहाँ पर। तो पूरे पार्ट का यहाँ पर देखा जाता है कि कौन कौन से पार्ट में क्या क्या यहाँ पर हम लोग डेवलपमेंट कर सकते हैं, किस एरिया में क्या कमी है। तो वो पूरा काम जो होता है वो यहाँ पर एनडीसी के पास में होता है, वही फिर आगे चल के सजेशन देती है। इसके साथ में क्या करते हैं, स्ट्रेंथन करते हैं किस चीज को, कि किस तरीके से हम लोग जो भी रिसोर्सेज हैं उसको मोबिलाइज कर सकते हैं अपना नेशनल प्लान को सपोर्ट करने के लिए, क्या क्या रिसोर्सेज हमारे पास है। देखिए सबसे अच्छा रिसोर्सेज अगर मैं आप लोगों को बोलूँ होता है ह्यूमन कैपिटल। ह्यूमन कैपिटल जैसे मैंने आप लोगों को बताया था किस तरीके से बनता है, जब हमारे पास में अच्छी हेल्थ होती है, अच्छी एजुकेशन होती है और हम एक अच्छा सा एम्प्लॉयमेंट होता है हमारे पास में, तब एक ह्यूमन को ह्यूमन कैपिटल की फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया जाता है। तो अगर इस तरीके के रिसोर्सेज मतलब अपने यहाँ पर हमारे जो ह्यूमन कैपिटल है उसको किस तरीके से यूज करना है, या फिर हमारे यहाँ पर कोल है, कोई भी मतलब हमारे यहाँ पर नेचुरल रिसोर्सेज है, गैस हो गए, ऑयल हो गया, या लैंड वगैरह हो गया, किस तरीके से हमको उसको यूज करना है, फॉरेस्ट्री भी आप लोग ले सकते हैं, ठीक है, तो उसको किस तरीके से हम लोगों को यूज करना है, तो यहाँ पर ये बात निकल के आती है। तो ये भी काम, ये सजेशन देने का काम यही करते हैं। और इसके अलावा प्रमोट करते हैं कॉमन इकोनॉमिक पॉलिसी ऑल द विटल स्पेयर, मतलब कोई भी हर एक स्पेयर में आप लोग देख सकते हैं जो भी इंपॉर्टेंस है। मतलब ऐसा नहीं है कि देखिए हर एक एरिया में वैसे हम इंप्लीमेंट करेंगे, पर कुछ एरिया में अलग हो गया जहां पर हमको पर्टिकुलर फोकस देना है, ठीक है। तो मान लीजिए जैसे हम कहेंगे एक साइड में तो हो गए नॉर्थ ईस्ट स्टेट हमारे, ठीक है ना, और एक साइड में हो गए हमारा सदर्न स्टेट। तो सदर्न स्टेट की कंपेयर में देखा जाए नॉर्थ ईस्ट स्टेट में काफी चीजों की कमी है, तो मैक्सिमम फोकस अगर देखा जाएगा इस तरीके से स्पेशलाइज फोकस्ड भी दिया जाएगा कुछ एरिया पे, तो ये भी बात यहाँ पर बोली गई है। तो ये पूरा ऑब्जेक्टिव जो होता है ये होता है एनडीसी का, कि इस तरीके से प्लान को इस तरीके से प्लान पर फोकस देकर चलना है। अब हम बात करते हैं फंक्शंस की। अब तक हम लोगों ने देखा किस किस तरीके से हमारा नेशनल प्लानिंग कमीशन के बाद में एनडीसी आया, तो अब यहाँ पर फंक्शन की बात की जाएगी। इससे पहले हम लोगों ने देखा अभी यहाँ पर ऑब्जेक्टिव, तो अब फंक्शंस देखते हैं हम फंक्शंस क्या क्या होते हैं। देखिए ऑब्जेक्टिव तो एक तरीके से जो गोल बना लिया है कि करना क्या है, और फंक्शंस मतलब क्या क्या फंक्शन हम करके उस गोल को अचीव करने वाले हैं। तो इस तरीके से आप दोनों में डिफरेंस समझ सकते हैं। तो सबसे पहली बात क्या होगी यहाँ पर कि गाइडलाइंस फॉर प्रिपरेशन ऑफ द नेशनल प्लान, की क्या क्या गाइडलाइन रहेंगी, तो गाइडलाइन तैयार की जाएगी कि इस तरीके से हमको नेशनल प्लान तैयार करना है। ये उसी प्लान की बात कर रहा हूँ जिसको हम 5 ईयर प्लान बोला करते थे। इसके बाद में क्या रहेगा, जो भी प्लानिंग कमीशन ने प्लान प्रिपेयर किया है उसको कंसीडर करेगा, ठीक है, तो उसको कंसीडर करेगा और देखेगा किस किस तरीके से क्या क्या उसमें क्या क्या उन्होंने कौन कौन सा एरिया उन्होंने कवर किया है, क्या क्या बातें हैं वहां पर, और रिसोर्सेज क्या क्या रिक्वायर्ड है उसके लिए इंप्लीमेंटेशन की, तो वो सारी चीजें भी यहाँ पर इसके फंक्शन में भी आएंगी, ओके।
और इसके बाद में क्या होगा, देखिए नेशनल डेवलपमेंट अगर देखा जाए तो कंप्लीट डेवलपमेंट की बात यहां पर की जाती है। हर एक एरिया का जब डेवलपमेंट होगा, चाहे वो एजुकेशन फील्ड हो, चाहे वो हेल्थ फील्ड हो, चाहे वो एग्रीकल्चर हो, चाहे वो इंडस्ट्री हो, तो सबका जब डेवलपमेंट होगा तभी जाके यहाँ पे हम उसको नेशनल डेवलपमेंट बोलेंगे। तो हम फिर ये देखेंगे कि फैक्टर कौन कौन से उसको अफेक्ट कर रहे हैं, उनके बेस पर हम देखेंगे क्या क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकते हैं, उनका क्या क्या सोल्यूशन निकल सकता है। इसका मतलब क्या हो गया इनडायरेक्ट वे में कि हम देखेंगे कि कहाँ कहाँ पे हमको चेंज करने की जरूरत है, इसीलिए इसको रिव्यू किया जाता है टाइम टू टाइम। देखिए आपको भी ये रिव्यू हमेशा अपना करना चाहिए। मान लीजिए आपने पढ़ाई स्टार्ट करी तो विद इन वन वीक पहले आपका रिव्यू होना चाहिए कि आप लोगों ने क्या किया, आप लोग सही डायरेक्शन में जा रहे हैं या नहीं जा रहे हैं। फिर उसी तरीके से आप लोगों का टाइम टू टाइम रिव्यू होता रहना चाहिए, और जहां पर आप लोगों को लग रहा है आप सही डायरेक्शन में नहीं है वहां पर रुकिए, उसको सही कीजिए, फिर आगे बढ़िए। अगर सही डायरेक्शन में जा रहे हैं तो आप लोगों को पता चल जाएगा कि सही में है या नहीं है रिव्यू करने से। और सबसे अच्छा तरीका होता है रिव्यू करने का, कोई भी क्वेश्चन पेपर उठा लीजिए जिस भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं, अगर उसमें आप अप टू द मार्क परफॉर्म कर पा रहे हैं तो आप सही डायरेक्शन में जा रहे हैं। अगर अप टू द मार्क परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं तो इसका मतलब है भाई रिविजन करने की जरूरत है, तो फिर से बैक जाइए और रिविजन कीजिए, तब आगे बढ़िए। ओके, तो ये काम होता है यहाँ का रिव्यू क्या। इसके बाद में रिकमेंडेशन की जाती है क्या क्या मेजर्स आप लोग ले सकते हैं अपने टारगेट को, अपने एम को अचीव करने के लिए, वो सारी बातें बताई जाती हैं यहाँ पर एनडीसी के द्वारा, जिसको बोलते हैं हम नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल। तो एक तरीके से गाइडिंग फोर्स आप लोग बोल सकते हैं यहाँ पर प्लानिंग कमीशन का गाइडिंग फोर्स है, गाइडिंग फोर्स है नहीं, गाइडिंग फोर्स था, अब तो हट चुका है, अब तो कोई मतलब नहीं है, तो गाइडिंग फोर्स था प्लानिंग कमीशन के लिए, तो इसी तरीके से ये वर्क किया करता था यहाँ पर। अब यहाँ पर हम देखते हैं स्टेप बाय स्टेप फाइव ईयर प्लान की बात करते हैं। ओके, अब फाइव ईयर प्लान की बात की जाती है, मान लीजिए प्लानिंग कमीशन ने एक प्लान तैयार कर दिया, प्लानिंग कमीशन का मतलब होता है प्लान तैयार करने से उसका मतलब रहता है, ठीक है, तो उसने प्लान तैयार कर दिया यहाँ पर, तो सबसे पहले वो प्लान किसके पास में जाएगा, फर्स्ट स्टेप कहाँ पर जाएगा, ये पहले जाएगा कैबिनेट के द्वारा, तो यूनियन कैबिनेट के पास में ये प्लान जाने वाला है। ओके, तो यूनियन कैबिनेट के पास में जब वो प्लान जाएगा तो वो फिर उसको अप्रूव करेगा अगर उसको सही लगता है, वरना बोलेगा कुछ सही नहीं लग रहा तो फिर उसको बैग भेज सकता है। सेकेंड प्लेस में जो जाएगा वो यूनियन कैबिनेट से बाद में फिर एनडीसी के पास जाएगा, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल के पास जाएगा एक्सेप्टेंस के लिए, अगर वो उसके एक्सपेक्ट अगर वो उसको एक्सेप्ट करता है तो फिर उसको आगे भेजा जाएगा पार्लियामेंट के द्वारा, पार्लियामेंट के पास में। तो पार्लियामेंट के पास भेजने से पहले, मतलब थर्ड टायर आप लोग पार्लियामेंट बोल सकते हैं, उससे पहले दो यहाँ पर आप लोग बोल सकते हैं टेस्ट में से पास होता हुआ प्लान आता है, और जब पार्लियामेंट में रखने के बाद में पार्लियामेंट का अप्रूवल उस प्लान को मिल जाता है तब जाके वो प्लान को एक ऑफिशियल प्लान बोला जाता है, और तब जाके वो हमारे गजट में उसको पब्लिश किया जाता है। गजट में पब्लिश जो भी चीज हो जाती है इसका मतलब वो पक्की हो चुकी है अब, तो ये कंप्लीट प्रोसेस होता है। तो पहले यूनियन कैबिनेट के पास में, फिर एनडीसी के बाद में, फिर पार्लियामेंट के, और उसके बाद में ऑफिशियल गजट में आ जाता है। ठीक है, आप लोगों ने सुना होगा गजेटेड ऑफिसर, तो गजेटेड ऑफिसर का भी नाम वही होता है कि जब उनका नाम गजट में आ जाता है तो इसका मतलब वो गजेटेड ऑफिसर बन चुके हैं। ठीक है, आप लोगों ने देखा होगा जैसे आईएएस आईएएस आईपीएस ऑफिसर गजेटेड ऑफिसर बोला जाता है, जो गजेटेड रैंक होती है जितनी भी आप लोग बोल सकते हैं वो ऑफिशियल गजट में मेंशन किए जाते हैं उनके नाम, इसलिए उनको गजेटेड ऑफिसर बोला जाता है। तो एनडीसी क्या हो गई, एनडीसी एक हाईएस्ट बॉडी हो गई यहाँ पर बिलो द पार्लियामेंट, जो कि रिस्पॉन्सिबल होती है किस तरीके से हमारी कंट्री की सोशल और इकोनॉमिक डेवलपमेंट होना है उस पर फोकस रहता है। एक तरीके से अगर एनडीसी के बारे में मैं थोड़ा जिक्र करूं तो आप इसको भी देखेंगे यहाँ पर एक एडवाइजरी बॉडी है। ठीक है, एडवाइज करती है काउंसिल को, प्लानिंग कमीशन को, ये यहाँ पर कहीं भी बाइंडिंग नहीं है कि जो भी ये रिकमेंडेशन देगी कि वो बाइंडिंग हो जाएगा प्लानिंग कमीशन पे। अगर ऐसा हो जाएगा तो फिर से वही बवाल आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर एनडीसी में आप लोग देख सकते हैं बहुत सारे मेंबर होते हैं, स्टेट्स के चीफ मिनिस्टर्स भी होते हैं, एडमिनिस्ट्रेटर भी होते हैं यहाँ पर यूनियन टेरिटरीज के, तो सब मेंबर रहते हैं। तो अगर यहाँ से इस तरीके से इसके डिसीजन यहाँ पर बाइंडिंग होने लगे तो फिर प्लानिंग कमीशन का कोई मतलब ही नहीं रह जाएगा। इसका मतलब तो सीधा सीधा ये था कि प्लानिंग कमीशन को कॉन्स्टिट्यूशन में ही डाल दो अगर इतने सारे इनको हर्डल से बचना था तो। ठीक है ना, तो यही बात हो गई सीधा हर्डल से बचने के लिए, तो उन्होंने इस तरीके से रखा है उसको, वरना तो कॉन्स्टिट्यूशन में ना रखते प्लानिंग कमीशन को, तो इसीलिए यहाँ पर इसको बाइंडिंग नहीं रखा गया है। तो ये बात आप लोगों को ध्यान रखनी है। ये रिकमेंडेशन देती है सेंटर को और स्टेट गवर्नमेंट को किस तरीके से आप लोगों को साल में कम से कम दो बार तो मिलना है। ठीक है ना, एवरी ईयर एटलीस्ट ट्वाइस, जिस तरीके से आप लोगों ने देखा होगा हमारे यहाँ पर जब पार्लियामेंट के सेशन होते हैं तो वहां पर भी वो बोला जाता है कि सेशन को लगभग आप लोगों को दो बार तो मिलना ही मिलना है। ठीक है, पर लेकिन नॉर्मल हम लोगों को देखने को मिलता है क्या क्या देखने को मिलता है, समर सेशन होता है, फिर मॉनसून होता है, उसके बाद में विंटर होता है, तो वो एक पूरा प्रोसेस चलता है। पर लेकिन कहीं ना कहीं ये बोला जाता है कि दो बार तो मिलना ही मिलना है, एटलीस्ट टू सेशन तो होने चाहिए। तो यहाँ पर भी ऐसे ही बोला गया, एटलीस्ट दो बार तो मिलना है, बाकी आप लोगों की श्रद्धा और इच्छा, कुछ भी कह सकते हैं भावना, जो भी आप लोगों को लगे कि जितनी बार मिलना है आप लोग मिलते रह कीजिए। तो ये इस तरीके से आप लोग देख सकते हैं जो हमारी रिकमेंडेशन यहाँ पर दी गई है। अब थोड़ा सा देखते हैं हम यहाँ पर क्रिटिकल इवेल्यूएशन एनडीसी का।
क्रिटिकली एनालाइज करते हैं इसको, क्या इसका फायदा है, क्या इसका नुकसान रहा है, क्या किस तरीके से काम किया इसने। तो नॉर्मली अगर देखा जाए, लार्ज एक्सटेंट तक अगर देखा जाए, तो सक्सेसफुल माना जा सकता है एनडीसी को, जिस तरीके से इसने एक ब्रिज का काम किया है। किसके बीच में? सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट के बीच में एक ब्रिज का काम किया गया है एनडीसी के द्वारा, ठीक है, सेंट्रल स्टेट एंड तीसरा प्लानिंग कमीशन भी बोल सकते हो। तो तीनों के बीच में मिला के एक तरीके से ये मीटिंग पॉइंट था तीनों का, चाहे वहां पर सेंट्रल गवर्नमेंट हो, स्टेट गवर्नमेंट हो, या प्लानिंग कमीशन के मेंबर हो, तो सब आकर यहां पर एनडीसी में मिलते थे। तो इसलिए एक तरीके से ब्रिज का काम किया है, सारे एक जगह मिलकर यहां पर डिस्कस कर सकते थे। अच्छा, आप लोगों के लिए फिर यहां पर एक क्वेश्चन पूछता हूं मैं, ये अभी न्यूज में भी चल रहा है, आप लोगों को ये बताना है कि जिस तरीके से चीफ मिनिस्टर और गवर्नर के बीच में, ठीक है ना, चीफ मिनिस्टर और गवर्नर की अगर बात की जाए, तो उनके बीच में जो मतलब जो चीफ मिनिस्टर है वो सारी बातें गवर्नर को जाके बताएगा, ये कॉन्स्टिट्यूशन में किस आर्टिकल में रखी गई है, ये ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुका हूँ, थोड़ा रिवीजन भी आप लोगों का हो जाएगा। सेकंड, प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट की बात की जाती है, तो हमारे जो प्रधानमंत्री हैं वो राष्ट्रपति को सलाह देंगे या अगर कुछ भी पूछता है तो उसको बताएंगे, ये कॉन्स्टिट्यूशन में किस आर्टिकल में रखा गया है, दोनों का आंसर दीजिएगा। देखिए, आंसर आप लोग देने में बड़ा ही आप लोग कंजूसी बरत रहे हैं, मैं फिर से बोल रहा हूँ, आंसर जरूर दीजिए, ठीक है। इसके अलावा बात करते हैं यहाँ पर आगे, अगर हम चलते हैं तो हमको देखने को मिलता है जब फेडरल सिस्टम, फेडरल सिस्टम का मतलब है संघवाद का ढांचा, तो कहीं ना कहीं इसको सपोर्ट किया गया है, क्यों? क्योंकि सेंट्रल स्टेट देखा जा रहा है यहाँ पर, उनको भी पावर दी जाती थी बोलने की, आप भी अपनी बातें यहाँ पर रख सकते हैं, तो संघवाद के ढांचे को और कहीं ना कहीं इन्होंने स्ट्रॉन्ग किया है, उसको ज्यादा तरीके से अच्छे लेवल में लेकर चले हैं। सुपर कैबिनेट का भी यहाँ पर दर्जा भी आप लोग इसको दे सकते हैं एक तरीके से देखा जाए, पर लेकिन फिर भी अगर देखा जाए वो दर्जा प्लानिंग कमीशन के नाम पर ही ज्यादा अच्छा बैठता है। और इसी के तरीके से आप देख सकते हैं कभी कभी इसको रबर स्टैम्प भी बोला गया है, क्योंकि एक देखिए जब बाइंडिंग नहीं था एक तरीके से बातें हाँ कर ली, हाँ आप लोगों ने बोल दिया ये हो जाएगा, पर लेकिन एक्चुअल में होता वही था जो प्लानिंग कमीशन के द्वारा, गवर्नमेंट के द्वारा सोचा जाता था। यहाँ पे एक तरीके से आप लोग इतना क्रिटिसिज्म उसका होने लगा था, एक तरीके से टाइम पास बॉडी बोला जाने लगा था कि कुछ नहीं है, टाइम पास करना है, दो बार आके मिलना है, उसके बाद में निकल लेना है। आधी बार तो दो बार जो मीटिंग बोली गई यहाँ पर वो मीटिंग भी नहीं हुआ करती थी, यहाँ तक भी बातें हम लोगों को देखने को मिली है। और सबसे बड़ी बात क्या थी, स्टार्टिंग में जब प्लानिंग कमीशन और नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल को बनाया गया, स्टार्टिंग से लेकर लगभग अगर देखा जाए, यहाँ से आप लोग देख सकते हैं 10 से 15 सालों का तो एयर फेयर का जो टाइम रहा है, सेंटर में भी कांग्रेस की गवर्नमेंट रही है और स्टेट में भी कांग्रेस की गवर्नमेंट रही है, तो किसी से कुछ ज्यादा डिस्कस करने का यहाँ पर बनता भी नहीं था, तो ये भी चीज हम लोगों को यहाँ पर देखने को मिली। इसी के द्वारा जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पर रिकमेंडेशन है, आप लोग ये बोल सकते हैं, सरकार या कमीशन ने रिकमेंडेशन दी थी जब सेंट्रल स्टेट रिलेशन के बारे में हम लोग जिक्र कर रहे थे, ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ ये सारी बातें, ये मत सोचिएगा जो नए स्टूडेंट्स हैं कि उनको यहाँ पर ये क्या नई टर्म्स आ रही है, इनके ऊपर लेक्चर ले चुका हूँ पूरा का पूरा मैं, ठीक है ना, सारे लेक्चर्स के लिंक आप लोगों को नीचे मिल जाएंगे, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी और कमेंट बॉक्स में भी जरूर देखिएगा उनको, रिविजन करते रहिए यार, बिना रिविजन के कुछ नहीं हो पाएगा, मैं आगे बढ़ता रहूंगा और आप लोग वहीं पर रह जाएंगे, कोई मतलब नहीं बनता है उसका फिर मेरा पढ़ाने का भी यहाँ पर, तो रिविजन जरूर कीजिए। तो सरकारिया कमीशन ने क्या बोला था, आर्टिकल 263 में रखने के लिए बोला था इसको, कि इसको यहां पर लाके रखा जाए जिससे कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी बन ली जाए और उसको कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दे दिया जाए, और उसका नाम भी उन्होंने बताया था, इसको रिनेम करने के लिए उन्होंने बोला था नेशनल इकोनॉमिक एंड डेवलपमेंट काउंसिल, ये उन्होंने नाम भी बताया था, पर लेकिन इसको किसी के द्वारा भी एक्सेप्ट नहीं किया गया। अगर कॉन्स्टिट्यूशनल पोजिशन इसको दे दी जाती तो फिर वही बात आती घूम फिर कर कि एक वही बात हो जाती ना फिर कि कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी के हिसाब से काम करना है, वहां पर फिर गवर्नमेंट की दादागिरी नहीं चल पाती, जिस तरीके से कुछ भी उठाए कुछ भी कर डालो उसमें, जब कुछ चेंज करना है उस टाइम कर डालो, अगर उसमें फिर चेंज भी करना होता तो फिर कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करके कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज कर उसको चेंज किया जा सकता था, और कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज आप लोग जानते हैं किस तरीके से किया जाता है, पूरा लेक्चर लिया है मैंने इसके ऊपर भी, ठीक है, तो देखिएगा वो भी आप लोग जाके। तो इस तरीके से आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि कितने लार्ज स्केल पर ये मतलब पूरा एक सिस्टम अपने अंदर अपने नीचे गवर्नमेंट ने मतलब एक तरीके से बना लिया था, अब वो कॉन्स्टिट्यूशन से बाहर, ठीक है, तो ये इस तरीके से पैरेलल भी आप लोग बोल सकते हैं काम कर रहा था, जिससे कि मैक्सिमम पावर इसी के हाथ में दे रखी थी वहां पर, तो ये क्रिटिसिज्म भी हम लोगों को इसके देखने को मिलते हैं। तो फिर से मैं नेक्स्ट जो हमारे लेक्चर चल रहे हैं अभी, अब देखा आप लोगों ने कॉन्स्टिट्यूशनल नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी चल रही है, पहले उसको खत्म करूंगा, फिर उसके बाद में पार्लियामेंट का हमारा पोर्शन बचा हुआ है, फिर उसको अच्छे से कवर करता हूं, ठीक है। और ये आप लोगों के दोनों लेक्चरों की पीडीएफ होगी एक जगह इकट्ठी, इनको मैं दोनों को पोस्ट कर दूंगा, आप लोग मुझे यहां पर भी आप लोग लाइक कर सकते हैं पेज को, यहां पर भी आप लोगों को मिल जाएगी पीडीएफ, और ये है टेलीग्राम का लिंक, ये भी आप लोगों को नीचे मिल जाएगा, आप लोग यहां पर भी देख सकते हैं। ओके, तो आज के लिए इतना ही, थैंक्स अ लॉट फॉर लिसनिंग, और हाँ लेक्चर को शेयर कर दिया कीजिए अगर आप लोगों को पसंद आता है, अगर पसंद नहीं आता है तो कोई बात ही नहीं है, अगर पसंद आता है तो चीज़ों को दूसरों को शेयर करिए या फिर आप लोग पढ़ा दीजिए किसी को, जिससे कि फायदा हो जाए दूसरों का। ओके, थैंक्स अ लॉट फॉर लिसनिंग, जय हिंद।